दोस्तों, ऐसे लोग जिनका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, अभी 7 डेज के बाद में आपका जो स्कोर कार्ड है ये आउट होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या फॉर्मेट रहा है, क्या कट ऑफ गई है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। टिल देन मैं कहूँगा कि आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं इस पर अपना अच्छे से फोकस करो, और अमूमन 7 दिन का टाइम दिया जाता है आईबीपीएस के रिजल्ट और स्कोर कार्ड के बीच में। तो अगर आज रिजल्ट आ चुका है तो फिर इसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर में हमें स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। टिल देन तभी हम लोग बता पाएंगे कि क्या फॉर्मेट यहाँ पर था। अभी आपका SBI का एग्ज़ाम है, पीओ क्लेरिकल, इस पर अच्छी फोकस करो और ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करना रिवीजन पर, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करके। तो यही एक तरीका है जिससे आप पुरानी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो SBI पीओ, SBI क्लेरिकल, इन दोनों के मॉक टेस्ट हैं, ये गाइस करंट अफेयर्स फंडा आपको प्रोवाइड करा रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप ऐप को डाउनलोड कर लें और स्टोर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बैंक प्रो मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें A to Z बैंकिंग के सभी मॉक टेस्ट शामिल है और आप अपनी पीओ प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सबके अच्छे लेवल के जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं और साथ में फ्री टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको लिंक साइड में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।